नमो नारायण मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मजे में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि टी नाम वाले जातक एवं डब्लू नाम वाले जातक यदि शादी करते हैं तो आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो लाइक कर देना है, साथ में स्पेशल दुनिया को आपको सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है। उसके बाद वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि जो भी टी नाम वाले जातक होते हैं वो आखिर होते कैसे हैं। मित्रों, इस नाम के जो भी जातक होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में स्वतंत्र होना, आजाद होना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं एवं कभी भी अपने जीवन में अपने स्वतंत्रता के साथ में, अपनी आजादी के साथ में कोई भी समझौता करना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपनी स्वतंत्रता को, अपने आजादी को सबसे पहले एवं सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि डब्लू नाम वालों की बात करें तो डब्लू नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो स्वभाव से बहुत ज्यादा धैर्यवान होते हैं एवं कभी भी अपने जीवन में किसी भी काम को करने में जल्दीबाजी नहीं करते हैं। अगर किसी भी काम को करना है तो काम को करेंगे, लेकिन अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से। किसी भी काम को करने से पहले उस काम के बारे में सारी बातों को पता करते हैं, उस काम को करने से पहले उस काम की सकारात्मक बातें, उस काम की नकारात्मक बातें, दोनों बातों को पता करते हैं एवं उसके बाद दोनों बातों पर विचार करते हैं एवं दोनों बातों पर विचार करने के बाद ही कोई भी फैसला करते हैं। लेकिन इसके अलावा इस नाम के जो भी जातक होते हैं वो स्वभाव से बहुत ज्यादा मेहनती, बहुत ज्यादा परिश्रमी होते हैं एवं कभी भी अपने जीवन में अपने कीमती समय को बर्बाद करना या अपने समय का मिसयूज करना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपने समय को सबसे पहले एवं सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। इसके अलावा इस नाम के जो भी जातक होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में बहुत ज्यादा आशावादी होते हैं, हमेशा अपने जीवन में अपने आने वाले समय से बहुत ज्यादा उम्मीद, बहुत ज्यादा आशा करते हैं। मित्रों, टी नाम वाले जातक एवं डब्लू नाम वाले जातक, इन दोनों के बारे में इतनी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दोस्तों, आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो सामान्य रूप से सही रहेगा। यानी कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपको शादी करनी चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में स्पेशल राशि को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में अपने इष्ट देवता का नाम आप अवश्य कमेंट कर दे एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दे। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।